ये कहानी हमें जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों का सामना करना सिखाती है। इस कहानी के नायक हैं जेन मास्टर। तो शुरू करते हैं कहानी मीठे झील में नमक। एक बार एक युवा आदमी अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह हमेशा तनाव में एवं डरा हुआ रहता था। उसने नज़दीक के गांव में एक जैन साधु के बारे में सुना था, तो उसने उस जैन साधु से मिलकर अपने तनाव को दूर करने का उपाय पूछने का तय किया। वह युवा आदमी जैन मास्टर के पास गया और बोला, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ, कृपया मुझे रास्ता बताएं जिससे मेरे जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाएं। जैन मास्टर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर वह चुपचाप उठे और कहीं चले गए। वह युवा आदमी को कुछ समझ में नहीं आया, पर धैर्य रखकर चुपचाप इंतज़ार करता रहा। कुछ देर बाद जैन मास्टर वापस आए और अपने हाथ में एक गिलास पानी और थोड़ा नमक साथ में लाए। मास्टर ने उस युवक से कहा कि वह थोड़ा सा नमक हाथ में लेकर उस गिलास में रखे पानी में डाल दे और उसे घोल दे। उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर मास्टर ने उसे वह पानी पीने के लिए कहा। युवक कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसने ऐसा ही किया जैसा मास्टर ने उसे कहा। उसने उस पानी को थोड़ा पिया तो मास्टर ने पूछा कि कैसा स्वाद है पानी का। युवक ने उत्तर दिया, पानी का स्वाद बहुत ही खारा है। फिर मास्टर ने युवक से कहा कि अपने हाथों में नमक लेकर मेरे साथ आओ। वे दोनों नज़दीक ही मीठे पानी की झील थी, वहाँ गए। मास्टर ने कहा, तुम्हारे हाथ में जो नमक है उसे झील में डाल दो। युवक ने अपने हाथ में नमक को झील में डालकर उसे अच्छे से हिला दिया ताकि नमक उस झील के पानी में घुल जाए। अब फिर मास्टर ने उस युवक को झील का पानी पीने के लिए कहा और स्वाद पूछा। युवक ने कहा, यह तो मीठा ही है, थोड़ा नमक डालने से उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। मास्टर ने उसे बैठने के लिए कहा और समझाया, देखो संसार का दुख इस नमक के जैसा ही है, एकदम खारा, लेकिन हमारे जीवन में दुख और कष्ट जो आने हैं वो तो आकर ही रहेंगे, पर उसका दर्द हमें कितना सताएगा ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करेगा। अगर हम अपने दिल और दिमाग में भावनाओं को बड़ा करेंगे तो हमें कष्ट का अनुभव कम होगा। इसीलिए बड़ा दिल रखने वालों को दुख का अनुभव भी कम होता है। इसीलिए अपनी सोच को गिलास नहीं झील के जैसा बड़ा बनाओ।